डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इंस्ट्रक्शन इन 8085। तो देखो, इंस्ट्रक्शन सबसे पहले अगर हम बात करें, इट इज अ कमांड टू द माइक्रोप्रोसेसर टू परफॉर्म अ गिवन टास्क ऑन अ पर्टिकुलर डेटा। इसके साथ आप एक और चीज भी ऐड कर लो, एट अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब यहाँ पे टाइमिंग भी मैटर कर रही है, आप क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हो वो भी मैटर कर रहा है, और माइक्रो प्रोसेसर जो है वो क्या कमांड एक्चुअल में दे रहा है। देखो, आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे मेरा जो माइंड है वो क्या है, एक तरह से माइक्रो प्रोसेसर। अब देखो, मैं बोल रहा हूँ, हाथ भी हिला रहा हूँ, चल भी रहा हूँ, तो ये सारे मैं एक्शंस परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा माइंड है, ये एक्चुअल में क्या जनरेट कर रहा है, कमांड्स जनरेट कर रहा है। मतलब मेरे हाथों को क्या कह रहा है कि कमांड दे रहा है कि आपने इस तरीके से मूव करना है, और मेरा जो है ये सारी चीजें जो है वो आपस में एक सिंक्रोनाइज्ड वे से काम कर रही है। मतलब टाइमिंग भी यहाँ पे मैटर कर रही है, एक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं वो भी मैटर कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या है, एक तरह से कमांड है जो पूरे के पूरे माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एक्चुअल में यूज करता है, ताकि कोई भी पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट कर सके। और यहाँ पे अगर हम बात करें 8085 में, हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है वो वन वर्ड की भी हो सकती है, जिसको आप वन बाइट भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट एक वर्ड जो है वो एक बाइट का होता है, मतलब 8 बिट का बोल सकते हो। ठीक है, तो यहां पे 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट एंड 3 बाइट इंस्ट्रक्शन जो है वो 8085 में होती है, जिसको आप ये कह सकते हो कि 1 बाइट मतलब 8 बिट की इंस्ट्रक्शन है। यहां पे 16 बिट की हो गई और यहां पे आपकी होगी 24 बिट की। तो इस तरीके से भी आप इसको मेंशन कर सकते हो। तो यहां पे अगर हम बात करें सबसे पहले किस तरीके से पूरी कहानी जो है वो वर्क करती है, कौन सी 1 बिट है, कौन सी 2 बिट है, कौन सी 3, तो ये सबसे पहले आप देखो, यहां पे एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, MVI A1A। तो यहां पे कर क्या रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं इमीडिएटली 1A का डेटा जो है वो हम एक्यूमुलेटर के अंदर डाल रहे हैं। तो देखो, इंस्ट्रक्शन में हमारे पास जनरली होता क्या है, एक है हमारे पास अपकोड और दूसरी चीज हमारे पास क्या है, ऑपरेंड। अपकोड का मतलब क्या है कि एक्चुअल में मुझे करना क्या है, टास्क क्या परफॉर्म करना है, और ऑपरेंड मतलब किस पे परफॉर्म करना है, किस डेटा पे उसको परफॉर्म करना है। तो ये मेन कहानी होती है। तो यहां पे अगर हम देखें तो MVI A,1A, तो यहां पे हम कर क्या रहे हैं, 1A जो मेरा डेटा है उसको एक्यूमुलेटर के अंदर हम लोग मूव करवा रहे हैं। तो 1A डेटा को एक्यूमुलेटर के अंदर मूव करवाना है। तो ये पूरी एक क्या हो गई, इंस्ट्रक्शन होगी। अब इसका साइज अगर हमें निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले देखो, हमें पता है कि जो हमारी मेमोरी है, यहां पे 16 बिट हम लोग जो है वो एड्रेस बस को यूज करते हैं 8085 में, मतलब 2^16 रेफरेंसेस हो गए टोटल। ठीक है, अब 2^16 आप कह सकते हो इतने आपके जो है वो ब्लॉक्स है, और हर एक ब्लॉक जो है वो कितना है, 1 बाइट का। एवरी ब्लॉक इज ऑफ 1 बाइट। तभी यहां पे जो मेमोरी है वो आपकी कितनी बनती है, 64 किलोबाइट की मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर में बोलते हैं, जहां पे 64 के क्या होगी, लोकेशंस होगी, और बी मतलब बाइट, एक लोकेशन 1 बाइट की। तो इसको आप कैसे मेंशन कर सकते हो, अगर मैं 16 बिट का एड्रेस देना चाहूं तो यहां पे सबसे पहला एड्रेस एक तरह से क्या हो गया, 000, मतलब 16 टाइम आप 0 लिख दो, या फिर आप क्या लिखो, हेक्साडेसिमल में लिख दो। मतलब ये 0 एक तरह से क्या है, 4 टाइम 0, ये भी 0 4 टाइम 0, ये भी 4 टाइम, मतलब इसको आप इस तरीके से हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर मेरा पहला 0000 हो गया तो लास्ट ऑब्वियसली क्या होगा, F F F एंड F, मतलब F एक क्या होता है, 1111, तो यानी 16 टाइम्स 1 हो गए। तो इतनी मेरे पास यहां पे लोकेशंस हैं, एंड एवरी लोकेशन इज ऑफ 1 बाइट। तो यहां पे मैं हर एक लोकेशन में 8 बिट जो है वो स्टोर कर सकता हूं। तो अब देखो, मेन कहानी आपकी स्टार्ट होगी। तो मेरी जो पहली इंस्ट्रक्शन क्या थी, MVI A,1A, तो यहां पे अगर मुझे इस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना है, तो मेरे को पता है जिस जगह पे मुझे स्टोर करना है उसका साइज तो 1 बाइट है। तो क्या ये पूरी इंस्ट्रक्शन जो है वो 1 बाइट की है, अगर ये 1 बाइट की है तो मैं उठाऊं और यहां पे घुसा दूं, लेकिन अगर ये 1 बाइट की नहीं है, उससे ज्यादा है, तो फिर तो भैया इसको डायरेक्टली नहीं डाला जा सकता, तोड़ के डालेंगे। तो देखो, यहां पे सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो, MVI A, इसका मतलब एक्चुअल में क्या है कि हम लोगों ने मूव करना है डेटा को एक्यूमुलेटर के अंदर, और यहां पे जो हमारा 8085 है, आपको पता है कि ये 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, तो यहां पे 2^8 मतलब 256 इंस्ट्रक्शंस जो है वो जनरेट हो सकती हैं, इतने अपकोड जनरेट हो सकते हैं। लेकिन इंटेल वालों ने जब इसको बनाया था तो 246 इंस्ट्रक्शंस जो है वो इन्होंने क्रिएट की थी, और हरेक को एक एक नंबर दिया, हरेक को क्या दिया, एक नंबर दिया, ताकि मैं अगर MVI A करना चाहता हूं, मतलब मैं मूव करना चाहता हूं कुछ इमीडिएटली एक्यूमुलेटर के अंदर, तो इसको जो है वो एक हेक्साडेसिमल
कोड दिया। अब देखो मेरे पास 8 बिट का है, तो यानी आप कह सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 00 से लेके 11 के बीच में कोई भी नंबर जो है वो हो सकता है। तो वो मेरा जो MVIA है उसके लिए इन्होंने क्या दिया, उसके लिए इन्होंने नंबरिंग दिया यहाँ पे 3E, मतलब ये फिक्स्ड है, दिस इंस्ट्रक्शन इज फिक्स्ड। तो यहां पे 3E, मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको इन्होंने क्या साइज दिया, 3। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है 3 का मतलब क्या हो गया, 0011, और E का मतलब आपको पता क्या होता है, 1110। तो यानी ये वाला मेरा टोटल कितनी बिट का बन गया, 8 बिट का बन गया, यानी 1 बाइट का बन गया। तो यानी आप MVIA वाली जो है इसको आप यहां पे, लेट्स सपोज आप कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हो प्रोग्राम को स्टोर करना, लेट्स सपोज मैं यहां पे 1000 एड्रेस से स्टार्ट कर रहा हूं, 1000 हेक्साडेसिमल एड्रेस से, तो यहां पे आप MVIA वाली जो है वो इस जगह पे डाल दोगे, क्योंकि 1 बाइट की होगी ये वाली सारी जो है वो 1 बाइट की, और इसका फिक्स है, इसकी नंबरिंग जो है, इसकी कोडिंग जो है वो फिक्स है, इसका कोड 3E फिक्स है, ठीक है। अब यहां पे दूसरा क्या आ गया, 1A, मतलब ये क्या है, डेटा ऑपरेंड है। अब ये जो डेटा है 1A, इसको आप कैसे लिखोगे, ये भी हेक्साडेसिमल में ही है, सारी चीजें हम हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 क्या होता है, ये होता है, और A क्या होता है, 1010, ये तो आपको पता ही है। अब ये भी कितने बिट का हो गया, 8 बिट का, यानी 1 बाइट का। तो यानी इसको और इसको हम इकट्ठा तो नहीं डाल सकते, ये तो 2 बाइट की इंफॉर्मेशन होगी, 1 बाइट ये हो गया और 1 बाइट ये, तो इसको हम बोलेंगे 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन। तो 2 बाइट को कैसे स्टोर करेंगे, 1 बाइट MVIA इधर कर दिया, और जो मेरा 1A था वो मैंने नेक्स्ट लोकेशन में, नेक्स्ट बाइट लोकेशन में स्टोर कर दिया। बस ये है एक्चुअल में कहानी। ये मुद्दा अगर आपको समझ आ गया तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, उसके बाद तो आपको सेम कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करना है। अब आ गई MVIB, मतलब 46 वैल्यू जो है, हेक्साडेसिमल वैल्यू 46 को बी वाले रजिस्टर में डालो, पहले एक्युमुलेटर में डाले थे, अब बी रजिस्टर में डाल ले, ठीक है। अब MVIB जो है, MVIB आपका 06 कोडिंग इन्होंने दे दी, मतलब जब इंटेल वालों ने 8085 बनाया तो उन्होंने ये वाली इंस्ट्रक्शन को एक कोड दे दिया, एक नंबर दे दिया, क्योंकि यार MVIB तो एक्चुअल में क्या है, असेंबली लैंग्वेज है ना, तो मशीन जो है वो तो 0101 समझता है, तो मशीन को क्या पता MVIB, उसको क्या लेने देना एम क्या है वी क्या है, वो तो 0 और 1 में समझता है। तो इन्होंने क्या किया, MVIB को एक कोडिंग दे दी 06, जैसे इसको दी थी 3E, इसको 06। अब 06 क्या है, 0000, और 6 क्या होता है, 0110, यानी 1 बाइट की इंफॉर्मेशन हो गई, 1 बाइट ही हमें भरना होता है, तो 1 बाइट की इंफॉर्मेशन मैं यहां पे MVIB को भर देता हूं। तो ये 1002 नेक्स्ट, क्योंकि सीरियली डालते हैं तो सीरियली डाल दो। अब 46 ये भी क्या है, हेक्साडेसिमल वैल्यू है, अब इसको भी आप खोलोगे क्या लिखोगे, 0110, और 6 क्या होता है आपको पता है, 01, मतलब ये भी क्या हो गया आपका, 1 बाइट की इंफॉर्मेशन होगी, तो इसको आप नेक्स्ट लोकेशन में स्टोर कर दो। तो 46 आपने नेक्स्ट लोकेशन में स्टोर कर दी, क्योंकि एवरी लोकेशन कैन हैव ओनली 1 बाइट। उसके बाद आ गया एड बी, तो इसको अभी कह सकते हो 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ये भी 2 बाइट की है। अब नेक्स्ट आ गई एड बी, एड बी का मतलब क्या होता है, बी की वैल्यू, जो बी रजिस्टर में डेटा पड़ा उसको एक्यूमुलेटर में ऐड कर दो, एक्यूमुलेटर में जो डेटा पड़ा और बी में जो डेटा पड़ा दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो और एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दो। तो ये जो ऐड बी है इसके लिए भी उन्होंने क्या दे दी वैल्यू, 80 हेक्साडेसिमल, मतलब इसकी भी कोडिंग फिक्स कर दी, जब भी ऐड जीरो आए तो यानी माइक्रोप्रोसेसर समझ जाएगा आपकी वैल्यू जो एक्चुअल में जब मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे तो 80 क्या होता है, 1000, और 0 आपको पता ही 000, तो ये भी क्या होगी, 1 बाइट की इंफॉर्मेशन। अब ये 1 बाइट के, इसके साथ और कुछ भी नहीं है, तो 1 बाइट की, यानी इसको पूरे को उठाओ और एड बी को यहां डाल दो, क्योंकि ये तो 1 बाइट की है ना, तो 1 बाइट की आपकी 80 वाली जो है वो लोकेशन ये वाली आपकी 1004 लोकेशन में डल गए, खत्म। अब ये 1 बाइट की आपकी इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद आ जाता है STA, ये क्या है, स्टोर, स्टोर करना आपको जो एक्यूमुलेटर में डेटा, आपने 2 वैल्यूज को ऐड कर दिया, एक्यूमुलेटर में डेटा आ गया, लेकिन उस डेटा को आपको मेमोरी में स्टोर करना है, मेमोरी में किसी लोकेशन पे, लेट्स सपोज लोकेशन है 2500H, ये भी क्या है, हेक्साडेसिमल है। तो STA एक्चुअल में क्या है, उसके लिए इन्होंने कोडिंग दे दी 32, माइक्रोप्रोसेसर में कोडिंग दे दी 32, तो 32 का मतलब क्या हो गया, फिर वही 0011 और 2 आपको पता है 0010, तो यानी 1 बाइट की इंफॉर्मेशन। तो लो जी, STA तो आपका यहां पे स्टोर हो गया, ये तो 1 बाइट की इंफॉर्मेशन यहां पे स्टोर हो गई, और उसके बाद आपके पास क्या है, लोकेशन
2500 का मतलब पता है क्या है? ये 16 बिट की इंफॉर्मेशन है, ये मेमोरी का एड्रेस है, और मेमोरी में आपको पता है हर एक एड्रेस यहां पे एवरी एड्रेस इज ऑफ 16 बिट। तो अगर आप इसको ओपन भी करोगे, 2 आपको पता है, 00105 आपको पता है, 00 ये आपका 16 बिट का बड़ा कोड है। तो 16 बिट इंफॉर्मेशन यहां तो डाल ही सकते हैं, यहां तो 8 बिट ही डाल सकते हो। तो यानी आप क्या करोगे, 25 को अलग और 00 को अलग, मतलब ये आपका जो 2500 है इसमें ये जो है एक तरह से अपर बाइट है, 4 बिट ये 4 बिट ये, टोटल क्या हो गया 8 हो गया, तो ये अपर बाइट आप कह सकते हो, और ये 4 और 4 8 ये आपका लोअर बाइट है। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले जो लोअर बाइट है वो आपने यहां पे डाल दिया, मतलब 00 जो है वो आपने ये इस एड्रेस पे डाल दिया, और जो 25 है वो आपने इस एड्रेस पे डाल दिया। तो ये एक्चुअल में कहानी है। अब देखो जी, STA 2500 को स्टोर करने के लिए आपने कितने मेमोरी लोकेशन लिए, 3, तो यानी ये 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। ऐड के लिए एक ब्लॉक लिया 1 बाइट की, मूव वाली 2-2 ब्लॉक लिए, तो यानी ये 2 बाइट की। लास्ट में आ गई जी आपकी हॉल्ट, हॉल्ट जो है वो आपकी HLT जो है वो यहाँ पे 1008 इस तरीके से आपकी स्टोर हो जाए, क्योंकि ये भी क्या है, 1 बाइट की इंफॉर्मेशन है। इसके लिए कोड उन्होंने इंटेल वालों दिया 76, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से कोडिंग आती है तो आप इसको इजीली, मतलब आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, ये तो जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे बताया। मेन कहानी है कि इंस्ट्रक्शन क्या होती है, अलग अलग साइज की इंस्ट्रक्शन कैसे हम लोग जो है वो मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं। थैंक यू।